नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके 70 नंबर हैं तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी रेलवे ग्रुप डी की, अगर आप जो रेलवे द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण नियम हैं उन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको क्या है 70 नंबर के बावजूद भी जॉब मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो उन पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा क्या है CEN 2/2018 के अंतर्गत जो है रोजगार सूचना निकाली गई थी। ठीक है, जो कि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित है। ठीक है, इसमें तीसरे पेज पर आप देखेंगे कि देखिए ये जो कुछ क्या है जो मापदंड हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर खरे नहीं उतरते हैं तो क्या है आपको, अगर आपके 70 नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखिए, चिकित्सा मानक के अंतर्गत मैं बता देता हूँ कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक है, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद से संबंधित कार्यों के संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा उसकी चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न मानकों के संबंध में चिकित्सा अपेक्षाओं का वर्णन नीचे दिया गया है। ठीक है, ये चिकित्सा मानक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किसमें क्या कुछ है। ठीक है, तो क्या है A2 के लिए शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। दृष्टि तीक्ष्णता जो है दूरदृष्टि के लिए 6x9 और 6x9 बिना चश्मा पहने फोगिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। नज़दीक की दृष्टि के लिए SN 0.6 0.6 बिना चश्मे तथा उम्मीदवारों को रंग दृष्टा, बायनोक्यूलर दृष्टा, रात्रि दृष्टा, मैसोपिक दृष्टा इत्यादि परीक्षण में उत्तीर्ण होना है। अब उनके बारे में जो रंग दृष्टा है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, रात्रि दृश्यता कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने अभी यहाँ पर बीच में एक टेस्ट डाला है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये अंदर लिखा हुआ नंबर पहचान सकते हैं तो आपको क्या है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं है। अगर आपको ये जो नंबर दिया गया है अंदर, ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है और आपको क्या है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में जो है बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपके 70 नंबर ही क्यों ना हो, रेलवे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे देख लेते हैं, आप इसमें से अगर नंबर पहचान पा रहे हैं तो इस तरीके से आप देख लीजिए, मैं मूव कराता रहूँगा, आप देख लीजिए, आपको अगर नंबर समझ में आ रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है, ये देखिए आगे इस तरीके से आपको क्या है एक टेस्ट दिया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए या दूरदृष्टि के लिए क्या है कलर ब्लाइंडनेस के लिए रखा जाता है। ठीक है, जो पहलू वहाँ पर दिए गए हैं उसके अंतर्गत मैंने इस वीडियो में जो है उस टेस्ट को डालने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, हमने बात की कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, आगे चलते हैं। B1 के लिए शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, दूरदृष्टि के लिए 6x9 और 6x12 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर आपको 6x9 और 6x12 होना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ALP में तो अगर 6x6 था तो भी चल जाता था, लेकिन अब क्या है इसके लिए क्या होना चाहिए 6x9 और 6x12 होना ही चाहिए। ठीक है, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे, लेंसों की पावर 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। नज़दीक की दृष्टि के लिए चश्मे के साथ अथवा बिना पढ़ने तथा नज़दीकी कार्य करने के लिए अपेक्षित तथा रंग दृष्टा, बायनोकुलर दृष्टा, रात्रि दृष्टा, मैसोपिक दृष्टा इत्यादि परीक्षण में उत्तीर्ण होना है। वो परीक्षण क्या है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, या एक दो क्या है उस तरीके से भी जो है एक दो टेस्ट और होंगे, अगर आप उनमें से पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है आपका सिलेक्शन के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। B2 के लिए शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ के लिए, दूर की दृष्टि के लिए 6x9 और 6x12, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे, लेंसों की पावर 4D से अधिक न हो, नज़दीक की दृष्टि SN 6/6, चश्मे के साथ अथवा बिना पढ़ने अथवा नज़दीकी कार्य करने के लिए अपेक्षित तथा बायनोकुलर दृष्टा इत्यादि के परीक्षण में आपको उत्तीर्ण होना होगा। C1 के लिए शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ,
दूर की दृष्टि 6x12 और 6x18, यहाँ पर देखिए 6x12 या 6x18 आपकी जो है चश्मे के या बिना चश्मे जो है आपकी दृष्टि होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी गलती के कारण आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ये तो टेस्ट है जो कि होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट पर खरे उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वो गलती मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने वो गलती की है तो आपको डेफिनेटली वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं नोट में, उपयुक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं है तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं। उम्मीदवारों को यह सूचित कर दिया जाता है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन कर लें जो www.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिएक्टिफरी दोष में सुधार के लिए लेसिक लेजर अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है तो वे मानक पदों के लिए योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर आपने लेसिक लेज़र या फिर सर्जरी कराई है आँखों के लिए तो क्या है आपको रेलवे ग्रुप डी में क्या है, रेलवे ग्रुप डी से बाहर कर दिया जाएगा। आप उनके जो दृष्टि मानक है उन पर खरे नहीं उतरते, ठीक है। लेकिन लेसिक लेज़र जो है, लेसिक लेज़र कराया हुआ कैंडिडेट्स पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या है उनको ले लिया जाता है, उनको वहाँ बाहर नहीं किया जाता। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या है अगर आपने लेसिक लेज़र व अन्य सर्जरी करवाई है तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपके कितने ही नंबर क्यों न हो, इससे रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आपके 70 नंबर ही क्यों न हो। तो आपको अगर आपने लेसिक लेज़र कराया हुआ है तो आपको जो है मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है लेसिक लेज़र अथवा अन्य कोई सर्जरी करवाई है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, ठीक है। नीचे दिया गया है उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं द्वारा चयनित पदों से जुड़े चिकित्सा मानकों के प्रति अपनी योग्यता सुनिश्चित कर लें, ठीक है। आप देख लीजिए आप कौन से किस ग्रेड की किस तरीके से जो दृष्टि मानक है उसमें जो है बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप अपने चयनित पदों से क्या है वो सुनिश्चित कर लें, ठीक है। जो उम्मीदवार A2 चिकित्सा मानक पद के लिए विकल्प चुनते हैं वे कृपया नोट कर लें कि इस पद के लिए चिकित्सा मानक अत्यंत कड़े हैं और उन्हें विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि वे ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार चिकित्सा मैनुअल में वर्णित दृश्यता एवं शारीरिक मानकों की अपेक्षा के प्रति अनुकूलता सुनिश्चित कर लें। तो इसमें साफ दिया गया है कि जो ग्रुप A2 है, जो उम्मीदवार A2 चिकित्सा मानक पद के लिए विकल्प चुनते हैं, जो A2 पहले वाला है, ठीक है, इसके लिए अगर आप चुनते हैं 6x9 6x9 तो इसके लिए जो टेस्ट है वो काफ़ी कड़े होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप B1 B2 C1 करेंगे तो ये तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन जो A2 है वो काफ़ी जो है टेस्ट कड़ा है, ठीक है। उसके अनुसार आप अपनी जो पोस्ट हैं उनको सुनिश्चित कर लीजिए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जो जिन्होंने लेसिक लेज़र और अन्य कोई सर्जरी करवाई है तो उन्हें क्या है रेलवे ग्रुप डी में बाहर कर दिया जाएगा, चाहे उनके 70 नंबर ही क्यों ना हो। और दूसरी बात क्या है, जो आपने चिकित्सा मानक है A2 B1 B2 C1 इनके अंतर्गत आपने जो पोस्ट चूज की हैं उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपका जो दृष्टि तीक्ष्णता है वो उस पर आप खरे उतरते हैं या नहीं, ठीक है। A2 के जो सर जो जो दृष्टि मानक मापदंड है उन पर क्या है वो काफ़ी कड़े बताए गए हैं, उनके लिए आपको जो है अभी से तैयार रहना होगा। B1 B2 C1 तो फिर भी नॉर्मल बताए गए हैं, लेकिन A2 के लिए काफ़ी कुछ आपको क्या है पहले से तैयार होना होगा, जिसके जो मानक दंड काफ़ी जो है कड़े हैं, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए A2 जो उम्मीदवार A2 चिकित्सा मानक के लिए ऊपरी विकल्प जो है नोट कर लेगी, इसके चिकित्सा मानक मापदंड अत्यंत कड़े हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।